हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इन द प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड द अनदर मीन वैल्यू थ्योरम दैट इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड थ्योरम दैट इज कॉल्ड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। एक्चुअली लैग्रेंज इज द एक्चुअल मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम इज समथिंग डिफरेंट। एंड अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैग्रेंज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम इज दैट in Rolle's theorem, in this function, for the function fx, there were three conditions: f is continuous, f is differentiable, and third condition was fa should be equal to fb. Now that condition has been omitted. उस condition को हटा दिया fa equal to fb को, तो उसके बाद क्या changes हुआ थोड़ा सा, बस ये f dash c का, जैसे मैंने अगर आप देखेंगे previous lecture Rolle's theorem का, तो उसमें मैंने बताया था कि f dash c इन रोल्स थ्योरम एफ डैश सी वाज जीरो एंड इन लैग्रेंज थ्योरम एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो जस्ट यू सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम सेज दैट ए फंक्शन, वी आर गिवन ए फंक्शन एफ एक्स एंड द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी। वी आर गिवन ए क्लोज इंटरवल ए बी फ्रॉम ए टू बी। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज डिफरेंट, एफ इज कंटिन्यूअस। First thing is that f should be continuous in the open interval a, closed interval ab, and second thing is that f should be differentiable in the open interval ab. I've also told you that the differentiability cannot be checked in the closed interval, so therefore we just take it in the open interval itself. So the function f should be continuous in the closed interval ab and the function should be differentiable in the open interval ab. So Lagrange says that there must be at least a real number in the open interval AB such that f dash c should be equal to fb minus fa upon b minus a. So this is the statement for Lagrange theorem. Now I come to the geometrical interpretation of this theorem also. मैंने आपको रोल्स थ्योरम में भी ये बताया था कि आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लें, आपको रोल्स थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको रोल्स थ्योरम के बाद में लैग्रेंज थ्योरम की बात करता हूँ कि ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। एक बार वापस आप रिकॉल करें रोल्स थ्योरम को। रोल्स थ्योरम में तीन चीज़ें थी। फर्स्ट कंडीशन एफ इज कंटिन्यूअस, सेकेंड थिंग एफ इज डिफरेंशिएबल, एंड थर्ड थिंग वॉज एफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यहाँ आपकी दो कंडीशंस तो हैं, एफ इज कंटिन्यूअस एज वेल एज एफ इज डिफरेंशिएबल, बट द थर्ड कंडीशन इज नॉट देयर, एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लैग्रेंज थ्योरम। अब इसमें क्या था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको इसका इंटरप्रिटेशन ध्यान हो तो उसमें मैंने बताया था, मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना करके वापस बता देता हूँ। ये सपोज x इक्वल्स टू ए है और यहाँ पर x इक्वल्स टू बी है। फंक्शन पे कोई दो पॉइंट थे, मान लो कैसे भी फंक्शन का ग्राफ है, तो यहाँ से दोनों पॉइंट सेम हाइट पर होने चाहिए। जैसे ये ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों, दिस वन इज एफ ए, दिस इज एफ ए एंड दिस इज एफ बी। सो इन रोल्स थ्योरम द कंडीशन वॉज दैट एफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ बी। और मैंने आपको बताया था कि इस बीच में फंक्शन की नेचर कुछ ऐसी होगी, या तो वो जैसे एक बार नीचे आकर के ऊपर गया होगा, या फिर एक बार ऊपर होकर के नीचे आया होगा, ऐसे कुछ मैंने तीन चीज़ें बताई थी आपको। दोनों पॉइंट के बीच में या तो फंक्शन ऐसे होगा, या दोनों पॉइंट के बीच में फंक्शन ऐसे होगा, या फिर वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बताया आप रोल्स थ्योरम में देखेंगे तो। अब ये लैग्रेंज थ्योरम में क्या है, ये कंडीशन हटा दी है, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होंगे, जब ये सेम हाइट पर पॉइंट नहीं होंगे, ये और ये दोनों हाइट सेम नहीं होंगी, मान लो एफ बी ज़्यादा हो जाता है, ये पॉइंट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो फंक्शन भी ऐसे हो गया। आप बस जस्ट ऐसे मान लो कि इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर कर दूँ। अब इसमें कंडीशन क्या थी कि इस बीच में ए से लेके और बी के बीच में कोई पॉइंट था सी, जहाँ पर जो टेंजेंट थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ये पॉइंट सी है। अब आप इसको ऐसे थोड़ा सा यूँ टेढ़ा कर दें, आप सोच लो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो अब कंडीशन क्या हुई, वो जो पैरेलल थी एक्स एक्सिस के टेंजेंट, वो टेंजेंट भी जैसे ऐसी कैसी यूँ मूव कर गई, तो वो भी ऐसे घूम गई इसके साथ साथ। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पॉइंट जब सेम हाइट पर थे, तो मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊं, तो ये लाइन जो आएगी या इसकी जो कोर्ड होगी ग्राफ की, वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये कोर्ड भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब जब ये एफ बी ज़्यादा हो जाएगा, ये हाइट बढ़ जाएगी उस पॉइंट की, तो बढ़ेगी तो एक्चुअल में क्या होगा, ये ऐसे घूम गया ग्राफ। ये ग्राफ थोड़ा सा जब इस तरह से घूमेगा, तो घूमने के बाद क्या होगा, ये वाली जो लाइन थी, ये कोण और ये टेंजेंट, ये दोनों तो अभी भी पैरेलल रहेंगी,
पहले वो दोनों एक्सेस से पैरेलल थे, जब उसको घुमा दिया तो कोड और वो दोनों पैरेलल ही हैं। अब कंडीशन क्या आ गई कि ये और ये इसको मिलाओ, मतलब ये वाली जो कोड है ये और टेंजेंट अभी भी ये पैरेलल होंगे। बस यही डिफरेंस है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में। लैग्रेंज थ्योरम में क्या कहा गया कि एफ ए और एफ बी नीड नॉट टू बी इक्वल, एफ ए एंड एफ बी आर नॉट इक्वल, देन द टेंजेंट ऑफ दिस सॉरी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस कोड। बस यहाँ पे क्या था, वो कोड और टेंजेंट दोनों एक्सेसिस के पैरेलल थी, तो जो टेंजेंट थी उसकी जो स्लोप थी, टेंजेंट की स्लोप दैट वाज जीरो, दैट्स व्हाई एफ डैश सी वाज जीरो। नाउ एफ डैश सी हैज चेंजेस, एफ डैश सी हैज चेंज, कैसे एफ डैश सी कैसे चेंज हुआ, एफ डैश सी मीन्स इस टेंजेंट की स्लोप, इस वाले टेंजेंट की स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी, इस कोड के। मीन्स ये दो पॉइंट ले लो, जैसे मैं इसको पी कहूँ इसको क्यू कहूँ, तो पी क्यू इज द कोड ऑफ फंक्शन, जो वो कर्व जो बना है उस कर्व की वो टेंजेंट है। तो कर्व की जो टेंजेंट है पी क्यू और सॉरी कर्व की जो कोड है पी क्यू, वो कोड और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब वापस स्टेटमेंट पे आओ, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कंडीशन बन गई, अब दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज द पॉइंट एक्स इक्वल टू बी, दिस वन इज एफ ए एंड दिस हाइट इज कॉल्ड एफ बी, एंड लेट दीज आर द टू पॉइंट्स क्यू पी एंड क्यू विच आर नॉट एग्जैक्टली एट द सेम हाइट, पी इज एट द हाइट ऑफ एफ ए एंड क्यू इज द हाइट एट द हाइट ऑफ एफ बी, सो एट एक्स इक्वल टू ए एंड एट एक्स इक्वल टू बी द हाइट ऑफ द पॉइंट्स ऑन ग्राफ से पी एंड क्यू आर नॉट इक्वल। ओके, सो कम टू द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, व्हाट लैग्रेंज इज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई थी, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी दो कंडीशन है क्यों रखी जाती हैं। इसका रीजन क्या है रखने का, एक्चुअली क्या है, जो इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल में फंक्शन ब्रोकन नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसमें उस इंटरवल में पूरा फंक्शन जो ग्राफ जो है उसका, ग्राफ के हर पॉइंट पर आपकी टेंजेंट होनी चाहिए। ये चीज़ इसलिए रिक्वायर्ड थी कि जिस पॉइंट पर वो एफ डैश सी जीरो आएगा, जैसे उसमें था यहाँ पे एफ डैश सी, जहाँ पे पॉइंट आएगा अगर सपोज वहीं पे वो ब्रोकन हो गया तो सारे मामला गड़बड़ हो गया, लैग्रेंज थ्योरम की बात ही नहीं हुई फिर। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकली ये शो करने के लिए हैं कि ए से लेके और बी तक इस इंटरवल में, यहाँ तक के पीरियड में, इसमें ग्राफ कंटिन्यूस है, कहीं वो टूटा फूटा नहीं, मीन्स हर पॉइंट पर ग्राफ एग्जिस्ट करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्राफ की नेचर इस तरह की है कि उसके हर पॉइंट पर टेंजेंट ली जा सकती है। क्लियर, सो ओके। अब थर्ड थिंग क्या है, अब वो क्या वो कहता है, ये दोनों कंडीशंस लगाने के बाद में फंक्शन की नेचर के बारे में दो कंडीशन है कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब देर शुड बी एटलीस्ट अ रियल नंबर इन द ओपन इंटरवल ए बी, यानी यहाँ से यहाँ तक इस इतने इंटरवल में बीच में कहीं एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर टेंजेंट, जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या होगी, इस कोड पी क्यू के पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल होगी। सो ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंट की स्लोप और पी क्यू की स्लोप दोनों इक्वल होंगी। अब पी क्यू की स्लोप क्या है, अब ध्यान से देखो, सपोज इस पी क्यू को मैं ऐसे यहाँ पे एनालाइज करके यहाँ ले आता हूँ, ये यहाँ पे थीटा एंगल बनाती है, तो पी क्यू की जो स्लोप आएगी दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। जो एंगल ये यहाँ होगा, अगर मैं यहाँ से ऐसे इसको जॉइंट करूँ तो यही एंगल यहाँ बनेगा। अब मैं टेन थीटा निकालू, टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड द परपेंडिकुलर इज एफ बी माइनस एफ ए, दिस थिंग इज एफ बी माइनस एफ ए, दिस कंप्लीट इज एफ ई एंड दिस वन इज एफ ए, सो एफ बी माइनस एफ ए। तो ये इतनी चीज़ तो रह गई, यहाँ से यहाँ तक ये जो है दैट इज एफ बी माइनस एफ ए, एंड दिस थिंग इज बी माइनस ए, this distance is b minus a. So obviously if I try to found the tangent of this chord PQ, this will be equal to fb minus fa upon b minus a, and that will be the tangent of this slope of this tangent. यही slope जो है इस tangent की होगी, तो यहाँ इसके according ये point हो गया suppose c. तो क्या हुआ, c पर जो tangent की slope होगी that will be called f dash c. तो f dash c will be equals to एफ बी माइनस एफ ए, इफ सपोज दिस पॉइंट इज एन, सो दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश सी, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट की स्लोप, एंड दैट इज बिकॉज दिस इज पैरेलल टू पी क्यू, सो दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी क्यू,
एंड स्लोप ऑफ पी क्यू इज ऑब्वियसली क्यू एन अपॉन पी एन. सो क्यू एन इज एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन पी एन मीन्स बी माइनस ए. सो ऑब्वियसली एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. सो एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज थ्योरम. वंस अगेन यू कम टू द पॉइंट. Lagrange says the function should be defined in the closed interval a b such that the function should be continuous, means wo broken nahi hona chahiye usme. Second thing, that it should be differentiable in the open interval a b. And third thing, and then there will be at least a point c. This is the point c. This one you can see, this one is the point c at which the tangent is parallel to pq. So the slope of tangent, that is f dash c, will be equals to fb minus fa upon b minus a. So this is the thing you have to differentiate between Rolle's and Lagrange theorem. In Rolle's theorem, the basic thing was that the tangent was parallel to the x-axis. That's why the slope of the tangent was zero. And in the Lagrange theorem, the tangent is not parallel to x-axis. The tangent is parallel to the chord PQ. So the slope of tangent will be equal to the slope of chord PQ. So f dash c will be equal to fb minus fa upon b minus a. Now I think I told you one thing. You just think when FA and FB are equal. If FA and FB are equal, then F dash C will be zero. So you can say that Rolle's theorem is a special case of Lagrange theorem. So actually Lagrange theorem is the only mean value theorem which is described for all the conditions for FA and FB. So FA should be, FA is equal to FB means Rolle's theorem is a special case of Lagrange theorem. So this is for Lagrange theorem. So I think जितना इजी वे में जैसे हो सकता था मैंने इंटरप्रिटेशन जैसे Rolle's theorem का किया था, Lagrange theorem का मैंने इंटरप्रिटेशन कर दिया. आपको समझ में आ गया होगा. आप मेरा Rolle's theorem का, Lagrange का दोनों वीडियो हैं आपके पास में. आप प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगता है, सही समझ में आए, देन यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल. सो सो दैट यू कैन हैव द नेक्स्ट अपडेट्स ऑटोमेटिकली ऑन योर फेसबुक, सॉरी ऑन योर यूट्यूब. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर. दैट्स ऑल. थैंक यू.